Hello everyone. So today we will talk about paper electrophoresis. In our previous lecture, we have studied what is electrophoresis, what is the basic principle of electrophoresis, what are the different factors that affect the rate of migration. And then we studied about gel electrophoresis. So today we will discuss the paper electrophoresis. The technique of paper electrophoresis is simple and inexpensive and require only micro quantity of plasma for separation. जो हमारी paper electrophoresis की process है वो simplest electrophoresis है perform करने के लिए. हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हमें एक Botman filter paper और हमें chambers चाहिए होता है जिनमें हम अपना बफर प्लेस करेंगे. और जो हमें सैंपल चाहिए होता है सेपरेट आउट करने के लिए, उसकी भी मिनिमम क्वांटिटी जो है रिक्वायर्ड होती है. द सपोर्ट मीडियम इज अ फिल्टर पेपर. हम मोस्टली वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूज करते हैं. द इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स to contain buffer solution through which electric current is passed. जो requirement होगी हमारे पास apparatus की, उसमें simply हमें दो chambers चाहिए जिनके अंदर हमारे buffer solution होंगे, जिनके through जो electric current है वो pass करेगा. Frequently used in isolating proteins, amino acids and oligopeptides. जो हमारी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है उन्हें हम प्रोटीन की सेपरेशन के लिए, अमाइनो एसिड की सेपरेशन के लिए, ऑलिगोपेप्टाइड की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, हमारे पास दो चैम्बर हैं जिनमें बफर प्लेस है और सेंटर में हमारे पास वॉटमैन फिल्टर पेपर रखा हुआ है. अब वॉटमैन फिल्टर पेपर का जो एक एंड है दोनों साइड पे, वो बफर में डिप रहेगा. सेंटर में हम क्या करेंगे, सेंटर में हम अपना जो प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है उसको प्लेस करेंगे. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. पेपर के सेंटर में हमने अपना सैंपल प्लेस किया. अब सैंपल जो होगा अकॉर्डिंग टू चार्ज, जो चार्ज होगा वो जो हमारा पीएच, जो हमारा बफर प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से होगा और हमारे प्रोटीन की माइग्रेशन होगी. अब जो हमारा प्रोटीन है अगर वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. अगर हमारा प्रोटीन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा. और अगर हमारा जो प्रोटीन है वो ज्यूटेराइन स्टेट में है, दैट मीन जो नेट चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा, तो उसकी रेट ऑफ माइग्रेशन जो होगी वो जीरो होगी, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ही रहेगा. प्रोसीजर. अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज मॉइस्टन्ड with a suitable buffer solution of the desired pH and the sample is placed transversely across the central part of the strip. जो हम Botman filter paper की strip लेंगे उसको हम moist करेंगे buffer के साथ जो कि हमारा एक desired pH का होगा. अब जो हमारे पास वॉटमैन फिल्टर पेपर है उसके सेंटर में हम अपना सैंपल जो हमने सेपरेट करना है उसको प्लेस करेंगे. द एंड आर फिक्स टू डिप इन बफर सॉल्यूशन इन टू चैम्बर फिक्स विद इलेक्ट्रोड. जो एंड होंगे हमारे फिल्टर पेपर का उसको हम डिप करेंगे अपने बफर चैम्बर में और जो बफर चैम्बर होगा वो फिटेड होगा इलेक्ट्रोड के साथ. जैसे कि आपने लास्ट जो फिगर था हमारे पास उसमें देखा था कि जो दोनों चैम्बर थे वो एक एक इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड थे, पॉजिटिव और नेगेटिव.
electric field of about 20 volts per centimeter is established. 20 volt current जो होगा हम अपने जो paper electrophoresis का setup है उसको provide करेंगे. The charged particle of the sample migrate along the strip towards respective electrode of opposite polarity according to net charge size and the interaction with the solid matrix. जब हमने required amount of voltage उसको provide करा तो जो charged particle होगा हमारे sample में वो migrate करना शुरू करेगा जो हमारी strip है उसके respective electrode की तरफ. उनकी मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ. अब जो माइग्रेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर नेट चार्ज, उनकी उनके साइज और उनकी इंटरैक्शन जो है सॉलिड मैट्रिक्स के साथ कैसी है उसके अकॉर्डिंगली सेपरेशन होगी. होमोजेनस ग्रुप ऑफ पार्टिकल माइग्रेट्स एज अ सेपरेट बैंड. जो सेम ग्रुप होंगे पार्टिकल्स के वो माइग्रेट करेंगे एज अ सेपरेट बैंड. द इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरिड आउट फॉर 16 टू 18 आवर्स. दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक. नॉर्मली जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करते हैं तो हमें 1 to 1.5 आवर का टाइम लगता है. यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है. एक ये भी चीज़ है कि जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो कम है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सिर्फ 20 वोल्ट जो है हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा 16 टू 18 आवर्स. सेपरेटेड प्रोटीन आर फिक्स टू अ सॉलिड सपोर्ट यूजिंग अ फिक्सेटिव सच एज एसीटोन और मिथेनॉल. अगर हमारे जो सेपरेटेड प्रोटीन है उन्हें हमें फिक्स करना है सॉलिड मीडिया पे तो हम फिक्सेटिव को यूज कर सकते हैं एसीटोन को या मिथेनॉल को. प्रोटीन आर स्टेन बाय यूजिंग ब्रोमोफेनॉल ब्लू टू मेक देम विजिबल. प्रोटीन को विजिबल करने के लिए उन्हें स्टेन किया जाएगा ब्रोमोफेनॉल ब्लू के साथ. द सेपरेटेड प्रोटीन अपीयर एज अ डिस्टिंक्ट बैंड. जो प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगे वो अलग अलग बैंड जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो हमें दिख जाएगा इसकी इतनी माइग्रेशन है. अच्छा ये अलग प्रोटीन होगा, ये अलग प्रोटीन होगा. ड्रॉबैक लॉन्ग टाइम इंटरवल एंड ब्लरिंग ऑफ मार्जिन. मेन ड्रॉबैक इस टेक्निक का लॉन्ग टाइम इंटरवल है. पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 16 टू 18 आवर का टाइम लगता है. इतने ज़्यादा टाइम में जो मार्जिन होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं. Observations. The different fractions appear as a blue colored band across the filter paper starting from the moving boundary background. जो हमारे प्रोटीन हमारा जो सेपरेट हुआ है वो अलग अलग ब्लू कलर के बैंड दिखेंगे हमें फिल्टर पेपर पे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक. इनकेस अगर हम हमारे जो फ्रैक्शंस हैं उनके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करें तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने बैंड को जो हमारा मैट्रिक्स है मतलब यहाँ पे हमारा जो फिल्टर पेपर है वहाँ से उसे कट करके ल्यूट आउट करवा सकते हैं और या फिर हम इन बैंड की स्कैनिंग करवा सकते हैं स्कैंड ऑप्टिकली इन डेंसिटोमीटर. इन ह्यूमन प्लाज्मा 5 डिफरेंट बैंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन फिल्टर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब हम ह्यूमन प्लाज्मा की पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन करवाएंगे तो हमें 5 डिफरेंट बैंड जो हैं वो दिखेंगे. As you can see here, जो ग्लोबुलिन है और जो हमारे पास एल्बुमिन है इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं ठीक है वो अलग अलग उनके रेट ऑफ माइग्रेशन होंगे जब हम उन्हें प्लेस करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे तो हमें डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे.
प्रोटीन के जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे वो सेपरेट आउट होने लगेंगे, तो हम उनके अलग अलग बैंड्स जो हैं अपने फिल्टर पेपर पे देख सकते हैं। यूजुअली जो हमारे पास पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके टाइप हैं। हॉरिजेंटल में जो हमने नॉर्मली अभी पीछे फिगर्स देखी वो थी हमारे पास हॉरिजेंटल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। वर्टिकल में क्या होगा, जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको हम वर्टिकली मतलब अपवर्ड करके एक एंगल बन जाएगा और उस पर हम सेपरेशन करवाएंगे। अब उसकी एडवांटेजेस क्या होगी कि कंपेयर टू हॉरिजेंटल वहाँ पे माइग्रेशन जो होगी वो जल्दी होगी। मतलब वैसे ही इस टेक्निक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास क्या है कि टाइम बहुत कंज्यूम होता है, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है। सो वो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बट कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा कि रेट ऑफ माइग्रेशन जो होगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो टेक्निक हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है। हमें सिर्फ वॉटमैन फिल्टर पेपर चैम्बर्स और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। सैंपल को हम वॉटमैन फिल्टर पेपर पे प्लेस करते हैं और वो सेपरेट आउट होता है अकॉर्डिंग टू जो प्रोटीन होगा उसके डिफरेंट पार्ट जब सेपरेट आउट होंगे तो हमें अलग अलग बैंड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और मेन ड्रॉबैक इस टेक्निक का टाइम इंटरवल है, टाइम बहुत कंज्यूम करती है परफॉर्म होने में। तो दैट्स ऑल अबाउट पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस।